फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरी हो चुकी है साफ सफाई और नाश्ता ही बन चुका मेरा। और अब मैं आई हूँ ऊपर रूम की सफाई करने के लिए। ऊपर रूम में करूंगी सफाई में, क्योंकि कमरों की मम्मी करती थी साफ सफाई, मैं नीचे वाले कमरों की करती थी साफ सफाई। तो जाके और मम्मी झाड़ू लगा के तो चले गई है, बस पोछा लगाना रह गया, तो वो मैं लगाऊंगी। बाकी मम्मी लोग आ जाएंगे 10:30-11 बजे तक, बोल रही थी मम्मी, क्योंकि कैंटीन में अभी इतनी भीड़ है नहीं। क्योंकि कोई पड़ोसी है, वो गए थे तो वो बता रहे थे कि अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, पर सामान है, कुछ सामान नहीं है पर कुछ कुछ सामान है। तो जाके तो शायद आ जाएंगे टाइम से। और ममता भी अभी नहा रही है, उसकी क्लास अभी खत्म हुई है तो वो नहा रही है। फिर उसके बाद वो करेगी नाश्ता, फिर उसके बाद उसकी दोबारा क्लास शुरू हो जाएगी। तो जाके तो मैं करूंगी यहाँ ऊपर कमरों की साफ सफाई। और आजकल मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी नवरात्रों के ही बाद जाऊं, क्योंकि सुबह लेकर ना उठने का मन नहीं करता नवरात्रों के टाइम पे, क्योंकि बहुत लेजीपन सा आ जाता है मेरे को। तो जाके तो मैं, अब नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, वैसे भी अब 4 नवरात्रे रह गए हैं बस, तो उनके खत्म होते ही, 3 या 4 नवरात्रे रह गए उसके खत्म होते ही, फिर तब जाऊंगी मैं मॉर्निंग वॉक पे। तो जाके तो बस, और अब करते हैं साफ सफाई ऊपर कमरों की, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी, और शायद तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, कब तक आते हैं मम्मी पापा और क्या क्या सामान लेके आते हैं, अगर क्या पता सामान लेके भी आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि कुछ पता नहीं आता वहाँ कैंटीन का कि सामान कब आता है, कब खत्म हो जाता है, वहाँ पता ही नहीं चलता। मतलब आपको सुबह 10 बजे आप सामान लेने जाओगे, फिर 11 बजे जाओगे, अगर दूसरा इंसान 11 बजे जाएगा तब तक वो सामान खत्म हो चुका होगा, ऐसा होता है वहाँ। मतलब बहुत बार मैं कम से कम 3-4 बार जा रही हूँ, पर सामान बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो देखते हैं मम्मी पापा कब तक आते हैं। मैं करती हूँ सफाई, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और बाहर हो गई है बहुत ज्यादा तेज धूप। तो मम्मी लोग आ चुके हैं कैंटीन से और सामान आ चुका है। ये प्रीति ने मंगाए थे अभी के लिए डायपर, ये शाम को देने जाऊंगी मैं शायद। और ये ममता की फ्रेंड ने मंगाई थी मिक्सी। बाकी ये रहा हमारा सामान। ये मम्मी पूरी दुकान खरीद के लाई है सामने, जूने की बिस्किट की और कुछ इसमें सामान और कुछ उस बैग में भी है सामान। मम्मी मेरे लिए पोहा भी लेके आई है कैंटीन से। हाँ, ये पोहा ही तो है। तो मेरी पूजा भी हो चुकी है, मैंने पूजा उजा कर ली है और फल भी खा लिए है। मम्मी लोग आ गए थे जब मैं पूजा कर दी, तब आए थे मम्मी पापा लोग, और मम्मी पापा ने भी कर लिया नाश्ता और मैंने बर्तन वर्तन धुल दिए है। तो मम्मी अब कैंटीन का जो सामान लाई है उनको निकाल रही है, फिर सेट करके रखेगी। आज कल कैंटीन में सामान था क्योंकि होली के बाद आया था कैंटीन, मतलब होली के बाद आई थी कैंटीन। तो जाके तो मम्मी अभी निकाल रही है और मेरे लिए पोहा भी लेके आई है मम्मी। मेरे को बस इतना पता था कैंटीन में मिलता है पोहा, पर मेरे को ये नहीं था कि होगा अभी। तो मम्मी लेके आई है दो। मम्मी ने कहा कि बोलते देखती हूँ कि यही है कि नहीं है, तो मम्मी दो पैकेट लेके आई है। ये दूसरा पोहा, मतलब हाँ वो दूसरा, हाँ। तो मम्मी पोहा लेके आई है, बाकी सामान निकाल रही है मम्मी, फिर इनको सेट करके लगाएंगे। दुकान खोलेंगे हम दुकान अब बाहर एक बक्से के ऊपर रख के कैंटीन का सामान लाके बक्से के ऊपर। बहुत सारे तो करते हैं जो आर्मी वाले, वो तो ऐसे ही करते हैं जिनकी दुकान रहती है ना मम्मी। बहुत सारे आर्मी वाले करते हैं ऐसे कि बोलते हैं कैंटीन से सामान ले आएंगे, फिर दुकानों में दे देते हैं, या फिर खुद की दुकान खुली रहती है वहां कर देते हैं। ओहो, एक पर्चा भी आया बाहर पिज्जा का। पिज्जा वाले का पर्चा आया है, पर मेरे चल रहे हैं बर्थ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। तो पिज्जा वाले का वो आर का पर्चा बांट रहे होंगे अपना, प्रचार कर रहे होंगे अपना पिज्जा वाले, तो आर का पर बर्थ चल रहे मेरे। मैं कुछ नहीं खा सकती अभी, बर्थ खत्म होने के बाद देखेंगे हम क्या खा सकते हैं ना। बर्थ खत्म होने के बाद डाइटिंग भी खत्म हो जाएगी, मम्मी बोल रही है। नहीं यार, नहीं, पिज्जा में बहुत फैट रहता है, पिज्जा नहीं खाऊंगी मैं, बाद में खाऊंगी मैं। और मम्मी अब खेतों में पानी डाल रही है इधर, क्योंकि शाम हो गई है, क्योंकि ये टंकी से जा रहा है पानी, भरी हुई है टंकी हमारी, क्योंकि आजकल पानी आ रहा है रोज रोज। टंकी भर रखी थी ये जो अंडरग्राउंड टंकी है, क्योंकि आजकल रोज आ रहा है पानी, मतलब सुबह के टाइम पे तो आ ही रहा है, शाम के टाइम पे तो कंफर्म नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता, पर सुबह आजकल डेली डेली आ रहा है पानी, पहले जैसा नहीं रहेगा। नहीं तो 2-4 दिन तो इतनी परेशानी हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ दिन तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी पानी की, पर अब आ रहा है पानी तो मम्मी डाल रही है पानी। ये हुए हमारे पेड़ के केले, आपने तोड़े हैं कि खुद ही टूटे हैं? अच्छा, मम्मी ने तोड़े हैं। और ये मम्मी के यहाँ ले जाने के लिए रख रही है मम्मी। बाकी कुछ ये रहे और कुछ इस पे है रखे हुए। ये अबलू, अबलू नमस्कार।
या कानू, हम जा रहे हैं अब शांति कुंज दूध लेने के लिए मम्मी का, और जीजा चले गए हैं, जीजा और सासू जी चले गए रुद्रपुर। ओ सासू जी नहीं गई है, सिर्फ जीजा गए हैं। अच्छा सिर्फ जीजा गए हैं क्योंकि जीजा की ड्यूटी, तो जाके जीजा चले गए हैं अपनी ड्यूटी रुद्रपुर। और ये अभी रो रहा था बल बहुत ज्यादा जीजा के जाने के बाद, और अब चुप हो गया क्योंकि अब बाहर आ रखा थोड़ा घूमने के लिए, तो जाके। और हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए मम्मी का, और थोड़ा काम वाली का फिर पता करके आएंगे। कल से हमारा यही चक्कर लग रहा है, काम वाली के ढूंढने पे लगे हम कल से, गलियों गलियों में घूम रहे हैं। आज फिर जा रहे हैं, देखते हैं बात बनती नहीं बनती। बन जाए यार, मैं भी थक चुकी हूँ काम वाली ढूंढ ढूंढ के मम्मी के लिए, तो ये देखते हैं बनती नहीं बनती। उसकी नज़र से फोन पे कभी कहीं, ओए अब हम लोग जहाँ पता करने गए थे वहाँ बात नहीं बनी, उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। तो हम जा रहे हैं दूसरी जगह, एक आंटी ने और बताया है कि उधर भी करती है, उधर भी है कोई लेडीज वो भी करती है। तो अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं पता करने के लिए क्या होता है, वहाँ जाके देखते हैं। मैं निकल चुकी हूँ घर की तरफ के लिए, मैं घर जा रही हूँ क्योंकि बाहर होने लग गया अंधेरा और टाइम भी हो गया क्योंकि। और जहाँ बात करने के लिए गए थे काम वाली की, वो आंटी बल कहीं और काम करने लग गई है, तो उन्होंने मना कर दिया। और एक आंटी का नंबर दिया है पर वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो प्रीति के फ़ोन में वो नंबर प्री पता करेगी। अब जो भी होगा देखते हैं क्या होता है, बस मिल जाए यार काम वाली। ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं काम वाली, मैं तो कम से कम एक महीने से ढूंढ रही हूँ मम्मी के लिए काम वाली, पर मिल ही नहीं रही है। और मिल भी रही है तो फिर उनके लेवल ही अलग अलग जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो जाके और पता नहीं कब तक मिलेगी मेरी मम्मी को काम वाली। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम वाली, अगर किसी के जान पहचान में हो काम वाली तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, पिरोंदारा में कोई हो तो बताइए मुझे, क्योंकि हमको सख्त ज़रूरत है काम वाली की। तो जाके और मैं जा रही हूँ घर, और मैं थक गई हूँ क्योंकि शांति कुंज घूमे हम लोग, फिर पिरोंदारा गए, फिर पिरोंदारा भी घूमे हम लोग, फिर अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ। और प्रीति लोग भी चले गए थे घर क्योंकि फिर अभी भी था, तो फिर परेशान करता है फिर, तो जाके तो वो भी चले गई घर। तो उसने कहा आप कल पता करेंगे या फिर नंबर है उसके पास, वो फ़ोन करके पूछेगी उनसे आंटी से, अगर वो फ़ोन कॉल बैक करेगी या फिर बाद में जब कॉल लगेगा उनको तो जाके। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, अब मिलती हूँ मैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।